नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर या शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। जैसे कि प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर लिखो अथवा शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखिए। उत्तर है, एक साइड लिखेंगे शुक्राणु या नर युग्मक और दूसरी साइड लिखेंगे अंडाणु या मादा युग्मक। पहला अंतर है, मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। मनुष्य का मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। और मनुष्य का मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। दूसरा अंतर है, शुक्राणुओं का निर्माण विसरण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण विसरण में होता है। अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। तीसरा अंतर है, शुक्राणु गतिशील होते हैं। जो शुक्राणु हैं वे गतिशील होते हैं। अंडाणु अचल होते हैं और अंडाणु अचल होते हैं। चौथा अंतर है, शुक्राणु का शरीर सिर ग्रीवा एवं पूंछ में विभाजित होता है। शुक्राणु का शरीर सिर ग्रीवा एवं पूंछ में विभाजित होता है। अंडाणु गोल रचना के रूप में होता है और अंडाणु गोल रचना के रूप में होता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।